अरविंद घोष जी के द्वारा रची गई पुस्तकें हैं जैसे कि सावित्री, लाइफ डिवाइन और एसेजान गीता। लेकिन इनको जो हम आसानी से याद करना होगा तो हमें ट्रिक का सहारा लेना होता है। अगर हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करें अरविंद घोष जी की पुस्तकें, तो वो ट्रिक है सावित्री की लाइफ गीता। सावित्री की लाइफ गीता, सावित्री माने इनकी पुस्तक का नाम है सावित्री, लाइफ माने लाइफ डिवाइन, गीता माने ऐसे जान गीता। तो इनकी पुस्तकें हैं सावित्री, लाइफ डिवाइन और ऐसे जान गीता। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दांते नामक एक लेखक हैं जिनकी पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी पुस्तकें हैं देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत इत्यादि। शिवानंद की पुस्तक है डिवाइन लाइफ। क्या नाम है? डिवाइन लाइफ। शिवाचंद जी की पुस्तक का, शिवानंद जी की पुस्तक का नाम है डिवाइन लाइफ। विशाख दत्त जो हैं, इनकी एक पुस्तक है, वो भी काफी प्रसिद्ध है विशाख दत्त की, और उसका नाम है मुद्रा राक्षस। विज्ञानेश्वर जी की एक पुस्तक है मिताक्षरा, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मुल्क राज आनंद की पुस्तक का नाम है कुली। मालगुडी डेज जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, और ये पहले डीडी नेशनल पर, इसका डीडी भारती पर भी इसका प्रसारण होता था। ये जो है लिखा है आर के नारायण जी ने, मालगुडी डेज। ये टीवी पर भी आता था मालगुडी डेज नेशनल पर। तो मालगुडी डेज नामक पुस्तक जो है ये आर के नारायण जी की है, और इनकी एक और पुस्तक है उसका नाम है माई डेज। रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देवकी नंदन खत्री जी की पुस्तक का नाम है चंद्रकांता, और चंद्रकांता नामक नाटक जो है वो अब भी टीवी पर आता है और पहले भी कई बार टीवी पर आ चुका है। पुराने समय में चंद्रकांता जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था देवकी नंदन खत्री का, जो कि इसका राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण होता था नेशनल पर। बाण भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी। सरोजनी नायडू जी की पुस्तक है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स जो है सरोजनी नायडू जी की पुस्तक है। तो ये थी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो कि कई कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगर वीडियो की ट्रिक हमारी जो वीडियो की ट्रिक है अगर वो अच्छी लगी हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें।